अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया है कि सर क्या दारुल हर्ब में काफिर से सूदी मामलात लेने जायज़ हैं। इसका सवाल बेसिकली आया है, एक वीडियो भी भाई ने शेयर की है जिसके अंदर एक साहब ये बताते हुए नज़र आते हैं कि अगर दारुल हर्ब है तो यानी ऐसी जगह जहां पर कुफार से आपके मामलात ठीक नहीं हैं तो ऐसी जगह पर जो है आप उनसे सूद ले सकते हैं। देखो मेरा भाई, सूद कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत और कयास से शरई यानी अक्ल व नकल हर लिहाज से हराम कतई है। लेने वाला, देने वाला, गवाह और लिखने वाला सब इस गुनाह कबीरा में बराबर के शरीक है। अच्छा, सूद की जो दो किस्में, इनमें से एक है ना माल के ऊपर माल लिया, या फिर हम जिंस के तबादले में एक पार्टी ने एक्स अमाउंट दिया और दूसरे ने एक्स अमाउंट प्लस सम अमाउंट, ये शर्त तय पाई, तो दोनों सूद की किस्में आएंगी। पहली किस्म जो है कि पैसे पे पैसा लिया, ये तो कुरान से हराम हो गई और दूसरी हदीस से हराम हो गई। मुख्तसरन बगैर बहुत ज्यादा डिटेल में जाए हुए मैं आपके सामने मुख्तसरन बात रखना चाहता हूँ कि मामला आपके सामने बिल्कुल वाजे हो जाए। एनीवे, देखो मेरा भाई, द बॉटम लाइन इज के सूद का लेना देना, गवाह बनाना या तहरीर करना शरअन गुनाह कबीरा है और सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करना है। दारुल हर्ब का माल तो हमारे लिए जायज है कि वो जो जंग के बाद जो चीजें मिलती है ना, लेकिन मेरा भाई दारुल हर्ब में वो चीजें जो दारुल इस्लाम में हराम है वो दारुल हर्ब में भी हराम रहती। वरना तो लोग कहेंगे कि भाई इस्लाम दारुल इस्लाम में तो शराब का पीना हराम है लेकिन दारुल हर्ब में चूंकि सब पी रहे हैं तो हम भी पीना शुरू कर दे। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। तो सूद, खिंजीर का खाना, मुर्दार का खाना, शराब, जुआ और बाकी तमाम चीजें जो मुसलमान के लिए, तो ये जैसे दारुल इस्लाम में हराम है वैसी दारुल हर्ब में भी हराम है। वरना तो लोग फिर दारुल कुफर में जाकर दारुल हर्ब में जाकर बदकारियां भी करें, रुश्वतें भी खाएं, मिलावटें भी करें, फुहाशी और यानी भी करें, नशे भी करें, बददियांतियां भी करें, बदहदियां भी करें, झूठ भी बोलें, धोखे भी दें, हराम भी खाएं। नहीं, ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, अल्लाह सुबहाना व तआला सबको तौफीक अता फरमाए कि सही दीन पर चल सकें। अब मैं आपको एक मसला जरा समझा दूं जिसकी वजह से बाज लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है और बाज लोग इन मसाइल को जो राजह नहीं होते, मरजूह होते हैं, जिन पर अमल नहीं होता, उनको सोशल मीडिया पर अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और नित नई वीडियोस बना के लोगों को कंफ्यूज करते हैं सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए। देखो, दारुल हर्ब में काफिर हर्बी से सूद के जायज होने या ना होने में फुकाए कराम के दरमियान एक इख्तिलाफ है, लेकिन याद रखो अहनाफ में इमाम अबू यूसुफ दारुल हर्ब में काफिर हर्बी से सूदी मामले को मुतलकन नाजायज कहते हैं और इनका इस्तदलाल जो है वो ये है कि सूद को मुतलकन हराम करार दिया गया। अब लोग क्या करते हैं कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद के कौल से वो लेते हैं कि काफिर हर्बी से सूद को एक गरीब हदीस में जिसमें फरमाया गया है कि ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हर्बी, कि मुसलमान और हर्बी के दरमियान रिबा है ही नहीं, मतलब वो तो अब देखो चूंकि मामला सूद का है जिसकी हुरमत कुरानी आयात में बगैर किसी कैद के मंसूस है, इसलिए अहनाफ के यहाँ जमहूर के मसलक में वो पहला वाला कौल जो इमाम अबू यूसुफ का है वही राजह है और उसी पर फतवा है, और तरफैन के मसलक यानी कि इमाम अबू हनीफा हो गए या इमाम मोहम्मद हो गए, इनको मरजूह करार दिया गया, यानी इनके कौल के ऊपर फतवा नहीं है, फतवा है इमाम अबू यूसुफ के कौल पर, तो अहनाफ इमाम अबू यूसुफ के कौल ही को फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो कौल जो मरजूह हैं, जो राजह नहीं है, जिन पर अमल नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं है हनफी स्कूल ऑफ थॉट में, उन्हें खींच खींच के लेकर आकर लोगों को कंफ्यूज करना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो लिहाजा मेरा भाई, दारुल हर्ब में भी मुसलमान के लिए किसी गैर मुस्लिम से सूदी मामला करना जायज नहीं है। याद रख, जो मना है वो मना है। तो एक हदीस है जिसके ऊपर जो है वो फतवा था, और उस हदीस के बारे में भी मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ किताबों में बड़ी तफसील से बात आती है कि हुजूर का ये फरमान है ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हर्बी फी दारिल हर्ब, कि हुजूर का फरमान है मुसलमान हर्बी काफिर दारिल हर्ब में सूद नहीं है, तो अल मुग़नी में इस पे बड़ी तफसील से आती है कि ये
खबर मजहूल है, किसी सही मुसनद या किसी काबिल एतमाद किताब में इसे रिवायत नहीं किया गया है, और इसके साथ की रिवायत मुरसल भी है। और ये भी हो सकता है कि इस हदीस में जो लफ्ज आए ना ला रिबा से मुराद सूद नहीं, यानी मना करो, यानी सूद का लेन देन मत करो इस मामले में, क्योंकि अरबी जबान है, उसमें एक ही बात आती है, वो किसी भी तरफ हो सकती है। तो बहरहाल एनीवे इसकी तफसीलात है, खुलासा कलाम मैंने आपके सामने रख दिया है। तो देखो ला ताकुलुर रिबा, ये बड़ी वाजे होगी ना बात कि सूद ना खाओ, मुतलक बात है ना, इस पर खबर वाहिद से इजाफा जायज है ना, इस को आप किसी भी तरह से कैद करेंगे। तो बहरहाल इमाम इब्नुल हम्माम ने फतहुल कदीर की जिल्द 6 सफा 177 पर बड़ी तफसील से इसमें कलाम किया है। विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स इन 5-6 मिनट्स आई थिंक दैट्स इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाई उलमा हैव गिवन रूलिंग्स ऑन दिस। अच्छा, दारुल हर्ब जो है वो इसको भी जरा समझ लें कि इसको अल्लामा हसकफी अद्दुर्रुल मुख्तार में बयान करते हैं कि दारुल इस्लाम सिर्फ 3 बातों से दारुल हर्ब बनता है। नंबर 1, कुफार और मुशरिकीन के अहकाम नाफिज हो तो दारुल हर्ब हो गया, ठीक है। दारुल इस्लाम दारुल हर्ब से मिल जाए तो दारुल इस्लाम तो खत्म हो गया, दारुल हर्ब हो गया, इसमें कोई मुसलमान या जिम्मी बाकी ना रहे। और दारुल हर्ब इस्लामी अहकाम नाफिज होने से दारुल इस्लाम हो जाता है, जैसा कि नमाज और ईद वगैरह। इसी तरह याद रखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद दोनों का मजहब यह है कि दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब बनने में सिर्फ एक शर्त है, अहकाम कुफर का इजहार। अच्छा, इसी तरह अगर मुसलमानों के अहकाम भी चलते हैं और मुशरिकीन के अहकाम भी नाफिज हों तो वो मुल्क दारुल हर्ब नहीं होगा। इसको फिर दुर्रुल मुख्तार में जिल 4 सफा 175 पर बयान किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे आपको दारुल हर्ब को समझने में भी आसानी होगी, एंड आई होप इट क्लियर्स द डाउट्स इन योर माइंड कि असल में मामला क्या है। और इसको यूट्यूब वीडियोस बनाकर चंद व्यूज गेन करने के लिए या लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अजीब व गरीब सी वीडियोस लोग बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और बाज उनमें से अपने आप को अल्लामा भी जाहिर करते हैं, कोई अपने आप को मुफ्ती बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और इस तरह लोग उनके नामों से मरऊब हो जाते हैं, उनके टाइटल से मरऊब हो जाते हैं, उनके व्यूज से मरऊब हो जाते हैं, उनके कॉमेंट से मरऊब हो जाते हैं। अब देखो ना, इनको देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो कौन है? अगर तो चैनल के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि भाई 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो उसमें से 50,000 बंदे ने देखा यार, तो कोई को मामला कोई जमता हुआ होगा, इसलिए तो 50,000 बंदे ने या 1,00,000 बंदे ने, 2,00,000 बंदे ने देखा है यार। लाइक्स देखो यार कितने सारे। अच्छा, वो लाइक्स करने वाले भी वो हैं जिन्हें इल्म नहीं है, व्यूज करने वाले भी वो हैं जो इल्म नहीं है। एक बड़ा अजीब पैमाना सोशल मीडिया पे बन गया है कि वो जिन्हें इल्म नहीं है उनकी लाइक्स और उनके कॉमेंट से ये डिसाइड किया जा रहा है कि कौन आलिम है कौन नहीं है। जिन्हें खुद इल्म नहीं है वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बड़ा आलिम है, और उसका क्राइटेरिया क्या है, किसके व्यूज ज्यादा है, किसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, उसको वो बेस करते हैं कि अगर ये हक पे ना होते तो इतने लोग इनको फॉलो कर रहे होते। तो फॉलो करने वालों का अपना क्या हाल है ये भी तो देखो ना। अगर किसी जाहिल के पीछे 400 ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं जो कभी स्कूल भी ना गए हों तो वो जाहिल उससे टीचर नहीं बन जाता। किसके पीछे देखो जो 400 बच्चा खड़ा है यार, आप कमाल कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया सेट किए हुए लोगों ने, अनफॉर्चुनेटली इल्म का क्राइटेरिया उन लोगों ने सेट किया हुआ है जो खुद इल्म नहीं रखते। उन्हें कोई बात पता चलती है, उस बात को वायरल कर देते हैं, वो वायरल होने के बाद वीडियो जो है वो एक आलिम बन जाती है। और कोई क्रॉस अभी देखो ना, आलिम को आलिम चेक करेगा, अगर आलिम पजीराई करे किसी की तो समझ में आता है वो अपनी इल्म की बेसिस पर उसकी पजीराई कर रहा है, बगैर इल्म के आप किसी की पजीराई कर रहे हैं तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। अब अनफॉर्चुनेटली लोगों का क्राइटेरिया ये हो गया है व्यूज लाइक्स, और फिर आगे से कहते हैं जी अब लोग बेवकूफ नहीं रहे, अब लोगों को पता चल गया, इल्म हो गया। कैसे इल्म हो गया, कैसे पता चल गया? उन्होंने हदीस नंबर दिया, वो हदीस नंबर आप जाके इनको वो हदीस दिखा देना और उसका तर्जुमा छुपा दे और इसके जो अरबी है ना उसके एराब भी आप हटा दे तो इनमें से 99.99% लोग उसे बगैर एराब के पढ़ भी नहीं सकते, और एराब लगा दे तो इनका इल्म सिर्फ तर्जुमे तक महदूद है। और तर्जुमा भी अगर इन्हें दे दें और इनसे कहो कि इसकी तफहीम बयान करो, इसकी फहम बयान करो, तो ना कर सके, इसकी शरह बयान करो तो ना कर सके। आए बाय जरूर
करेंगे, मतलब अपने दिमाग से जरूर बना लेंगे, लेकिन वो जो शुरुआत आइम्मा मुहद्दिसीन उलमा ने दी है उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपना क्राइटेरिया पहले सही सेट करें। और लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, वो ये समझ रहे हैं कि जिसके व्यूज ज्यादा हैं, लाइक्स ज्यादा हैं, और दूसरा इनको पटी पढ़ा दी, लोग बड़े पढ़ ले। अगर तुम वाकई इतने बड़े आलिम फाजिल और पढ़ लिख गए हो तो फिर तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तुम फिर क्यों इन लोगों के पीछे फिर रहे हो? अगर तुम खुद इतने आलिम फाजिल हो गए हो, तुम्हें तो खुद बुखारी का दर्स और मुस्लिम शरीफ का दर्स देना चाहिए, नहीं दे सकते अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल बात लंबी हो रही है, कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए व्यूज और सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के ऊपर इल्म और जहल की कंपैरिजन न किया करें। इल्म इल्म होता है बेशक चार बंदों ने देखा हो, और जहल जहल होता है बेशक 1 मिलियन उस पे व्यूज आए हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।